चमोली के जोशीमठ से 16 किलोमीटर दूर पंगनो गांव के 42 परिवारों का घर बार छूट रहा है। ये परिवार पीढ़ियों से यहां रहते आ रहे हैं। इलाके में लगातार बढ़ रहा लैंडस्लाइड अब इन परिवारों के लिए जानलेवा बन गया है। गांव के ऊपरी पहाड़ी हिस्सों में पिछले एक साल से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। इस लैंडस्लाइड ने अब तक दर्जनों मकानों को अपनी जद में ले लिया है। हमारे यहाँ पे 2 साल से लगातार बहुत भारी भूस्खलन होने के कारण जो है यहाँ पर सबसे पहले मेरे घर से ऊपर भी जो है यहाँ पर 3-4-5 घर जो है बिल्कुल बुरी तरह नष्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरा व्यवसाय के लिए 2 दुकान मेन रोड पे थी, वो भी चले गया। गौशाले थे 2, वो भी बुरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। 6 कमरे के 2 घर थे मेरे 2। जोशीमठ के इस गांव में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और उससे होने वाले जानमाल के खतरे को देखते हुए प्रशासन आपदा प्रभावित 42 परिवारों को विस्थापित करने की तैयारी पूरी कर चुका है। जोशीमठ से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर बसे पगनो गांव में कुल 123 परिवार रहते हैं। इस साल मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद भी गांव के ऊपरी हिस्से की पहाड़ियों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। कई परिवार अपने घरों को छोड़कर बाकी जगहों पर रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ परिवारों को 30,000 रुपए के चेक भी बांटे गए हैं, लेकिन ये राशि इन लोगों के लिए काफी नहीं है। नहीं तो हम भी चले गए थे उस दिन, सवेरे सो रखे थे हम तो होना क्या, तो बोटो बुढ़े हैं यहाँ पर। इसी पे रहते हो? नाना गुजर रहते हैं किराए पर। अरे वहाँ से भी हमने सामान उठा लिया, तो वहाँ से भी माल मारा है। कब छोड़ा ये घर? ये तो जिस दिन वो बाढ़ आई है उसी दिन से छोड़ दिया हमने। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? हम दोनों जने रहते थे। बच्चे बजा रहे हो? गांव के विस्थापित हो रहे परिवार अपनी पुश्तैनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जान बचानी है तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। विस्थापित होने वाले लोगों का कहना है कि उनके मकान और खेत खलियान सब लैंडस्लाइड के मलबे से तहस नहस हो चुके हैं। गांव के करीब 50 और परिवार अभी भी खतरे की जद में हैं। गांव के ऊपर आया मलबा भी धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है।